मेट्रो से मरश्मी पांडे। जनपद जालौन में खेतों में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत अब जल्द ही खत्म हो सकती है, क्योंकि अब जनपद जालौन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए खदौरा को चयनित किया। इसके निर्माण में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें घरों की नालियों से निकलने वाले गंदे पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से शुद्ध कर उसे खेतों में सिंचाई के काम में लिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने कदौरा नगर प्रशासन को जमीन चिन्हित कर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका अपना देवेश। आज हम आपको एक जनपद जालौन की एक अच्छी और सकारात्मक खबर दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो जनपद जालौन में विकास की बयार जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है। जनपद जालौन में सिंचाई के लिए एक नई व्यवस्था होने वाली है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये जनपद जालौन में स्थापित होने वाला है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि गंदा पानी जो घरों से निकलता है, नालियों में बहता है, उस पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत शुद्ध करके उसको पीने योग्य और सिंचाई के लिए दोनों की व्यवस्थाओं के लिए अब उपयोग में लाया जाने वाला है। जनपद जालौन में ये प्लांट 2 से 3 जगह लगने वाले हैं। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको जनपद जालौन में कदौरा में इसको लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से हमें जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक लगभग 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी इसमें जारी कर दी गई है और कदौरा नगर प्रशासन को जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जनपद जालौन के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारा पानी हमारे सीवरेज की तरह यानी जो है घरों से निकलने वाली नालियों जो नल का पानी होता है, इस्तेमाल किया हुआ जो पानी होता है, नालियों के रास्ते बेस्ट चला जाता है। लेकिन अब इसका उपयोग, इसका सदुपयोग होने वाला है। किसानों को अक्सर पानी की सिंचाई के लिए पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता था। कई कई बार तो लोगों ने जाम लगाए हैं, संघर्ष किया है, कई बार ऐसी उग्र प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन अब लगता है कि शायद ये समस्या हल होने वाली है, क्योंकि अब इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत जो पानी का शुद्ध होने के बाद एक तो पीने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कदौरा क्षेत्र को पहले इसलिए चुना गया है क्योंकि वहाँ पर अक्सर पानी की समस्याएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने इसको वहाँ पर आजमाया है। वहाँ नगर प्रशासन को जमीन चिन्हित करने के लिए कह दिया गया है और इसके लिए 10 करोड़ रुपये की जो राशि है वो निर्गत कर दी गई है। तो बहुत जल्दी ही जनपद जालौन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कदौरा के बाद और भी स्थानों पर देखने को मिल सकते हैं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।